बड़ी खबर राजधानी रायपुर से मिल रही है। रेलवे की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस का धरना। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने दिया धरना। टिकटों के अधिक दाम, स्टेशन पर अवैध बैरियर के खिलाफ धरना है ये। ट्रेनों को लगातार रद्द करने के खिलाफ भी लोग जा रहे हैं। बीजेपी सरकार के 10 साल में रेलवे के बदहाल होने का आरोप लगा रहे हैं। तो रेलवे की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेस का यह धरना प्रदर्शन। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय की ये तस्वीरें, जहां पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ी कई समस्याओं का सामना छत्तीसगढ़ वासियों को करना पड़ा है, रेलवे की बदहाल स्थिति को लेकर यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें बदहाल स्थिति को बयां कुछ इस प्रकार कर रहे हैं, पोस्टर के जरिए हाथ में बापू की फोटो लेकर। गांधी जी के पहले चित्र को लेकर आज रेलवे स्टेशन में हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक दिन का सत्याग्रह कर रहा हूँ। जिस प्रकार से पीछे मेरे देखिए बैरियर है, ये बैरियर मिनट्स में चलता है। 5 मिनट देरी से आप आगे बढ़ गए तो आपको फाइन लगेगा, अन्यथा आपकी गाड़ी का चालान होगा, जब्त बना ली जाएगी। तो मनमानी भारतीय रेलवे कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो भाजपा सरकार में जिस तरह से बदहाली हुई है रेलवे की, उसे लेकर ये तमाम पोस्टर्स के साथ विकास उपाध्याय धरने पर बैठे और जमकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो अपने हाथ में लेकर विकास उपाध्याय ने ये विरोध प्रदर्शन किया रेलवे स्टेशन।